सियासत के मैदान से खबरें शामिल करेंगे। अपोजिशन जमातों का एक दूसरे पर भरोसे का फुकदान। पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात दूर ना हो सके, मौके के बावजूद अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने में नाकाम है। इखलाक अहमद से बात करेंगे। जी इखलाक, हुकूमत की ढोलती कश्ती के बावजूद अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने में नाकाम नजर आ रही है। भरोसे का फुकदान, अपोजिशन की बड़ी जमातें जो हैं वो एक दूसरे से खाइफ नजर आती हैं। एक पेज पर ना होने की वजह से इन तब्दीली की बेल जो है वो मुंडे नहीं चल सके। जराये के मुताबिक पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात जो है वो दूर नहीं हो सके। मुसलिक नून के कायद नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी पर भरोसा नहीं कर रहे, जबकि अबूरी दौर के दुरानिया कितना होगा, कायदीन एक दूसरे को कायल नहीं कर सके। पीडीएम 3 माह बाद और पीपल्स पार्टी 6 माह बाद जनरल इलेक्शन पर मुतफिक थी, ताहम पीपल्स पार्टी 6 माह बाद इंतखाबात करा देगी। इस हवाले से लीगी कायद को गारंटी दरकार थी, जो कि पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं फ्राम कर सकी, जिसके बाद जो है वो इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो बेल है वो मुंडे नहीं चल सकी। अब इन तब्दीली मोखर हो चुकी है और पीडीएम ने हुकूमत मुखालफ हिकमत अमली जो है वो भी तब्दील कर ली है। जराये के मुताबिक अपोजिशन अब सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करेगी। जी ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज सामने आ रहे हैं। इखलाक आपका शुक्रिया।